नमस्कार, निधिकर कलाकृति में आपका स्वागत है। आज हम कड़वे करेलों को बनाएंगे खट्टे मीठे करेले, एक नए अंदाज में, नए स्टाइल में, जो आप सबको जरूर पसंद आएगा। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो करेले, प्याज, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी, गुड़ या चीनी, सांभर पाउडर, कच्चा आम नहीं तो कच्चे आम का पाउडर यानी खटाई और सरसों का तेल। करेलों को पहले अच्छे से धोकर उन्हें छील लीजिए, और ये छिलका हमें फेंकना नहीं है, इसे हम फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हें एक स्लिट लगाइए, और अगर अंदर बीज हैं तो उन्हें निकाल दीजिए, या कोई अगर कीड़ा है वो चेक कीजिए और उसे फेंक दीजिए। अब थोड़ा नमक लेकर इसके अंदर और बाहर नमक लगा दीजिए, और इसका जो छिलका है उसमें भी नमक डाल दीजिए। इसे नमक लगाकर हमें 2-3 घंटे के लिए रखना है, जिससे इसकी कड़वाहट निकल जाए। दो तीन घंटे के बाद करेलों को अच्छे से धो के निचोड़ के रख लीजिए, उसके छिलके को भी अच्छे से धो लीजिए। एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। मेरे करेले बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं इनको 2 पीस में काट लूंगी। तेल गरम हो गया है, अब सबसे पहले इसमें छिलके डाल के थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अब इसमें प्याज डालिए, प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिना प्याज के भी इन्हें बना सकते हैं। प्याज को 3-4 मिनट भुनने के बाद इसमें मसाले डालिए, हल्दी डालिए, धनिया पाउडर डालिए, सौंफ पाउडर डालिए, हल्का सा नमक डालिए क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसमें सांभर मसाला डालिए और लाल मिर्च पाउडर डालिए। मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि मुझे तीखा लगता है। अब आप इसमें कच्चा आम कस के डालिए, अगर कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डाल दीजिए। इसे भी हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लीजिए। जब ये सारे मसाले भुन जाएं, इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कीजिए और 5 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने दें। अगर आपके करेले छोटे हैं तो आपको उन्हें काटने की जरूरत नहीं है, धागे तोड़ के रख लीजिए। जितने करेले हैं उनको बांधने के लिए उतने धागे तोड़ के रख लीजिए। मसाला ठंडा हो गया है, अब इसमें गुड़ मिला दीजिए। गुड़ नहीं है तो आप चीनी या खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खट्टे मीठे करेले बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें गुड़ डाला है। अगर आपको मीठा नहीं चाहिए तो आप मीठा भी अवॉइड कर सकते हैं। अब इस फिलिंग को अच्छे से इन करेलों के अंदर भर दीजिए। अब स्टफ करने के बाद इनके ऊपर धागा लपेट दीजिए, इससे जब आप करेलों को भूनेंगे तो आपका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो मसाला बचा हुआ है इसको हम लास्ट में डालेंगे, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कीजिए, जब तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाए तब आप इसमें इन करेलों को छोड़ दीजिए। आपकी आंच मीडियम हीट पे रहे, यानी मध्यम आंच पे इन्हें पकाइए। इन्हें ढक दीजिए और हर 5-7 मिनट के बाद इन्हें पलटते रहिए।
ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक ये चारों तरफ से सिक नहीं जाएं। अगर आपको लगता है आपके करेले गल नहीं रहे हैं तो आप इसमें एक चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इसमें मसाला मिला दीजिए और हल्का सा पानी का छपका दे करके फिर से ढक दीजिए। आपके मसालेदार खट्टे मीठे करेले तैयार हैं। इन्हें आप साइड डिश या मेन कोर्स में सर्व कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और हमारे बाकी वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। एंजॉय ईटिंग।